हाय फ्रेंड्स, आज आप मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो भात या टमाटो राइस भी बोल सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, इसलिए टमाटो है यहाँ पे और चिली। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। ये साउथ इंडियन में बहुत फेमस होती है डिश, और मेन एक फ़र्क इसमें है क्योंकि मैंने ब्राउन राइस यूज़ किया है, दावत ब्राउन राइस। एक्चुअली सब लोग वाइट राइस से बनाते हैं, और चावल तो मेरे फेवरेट है और डाइटिंग में है तो हम लोग राइस छोड़ नहीं सकते, तो ब्राउन राइस बहुत अच्छा है। वाइट राइस के बदले आप ये राइस यूज़ कीजिए, इससे वेट गेन नहीं होगा, मेंटेनेंस है। फाइबर है, नो कार्ब्स। प्लीज़ जिनको भी क्रश है चावल खाने का, प्लीज़ आप खा सकते हो ब्राउन राइस। फिर ये राइस आप ले सकते हो, इसमें कार्ब्स है, नो फैट। चाहे तो आप देख सकते हो उधर सब पीछे। तो देखिए, मैंने ब्राउन राइस का भी आपको बताऊंगी कैसे बनाना है झटपट साउथ इंडियन टमाटो राइस। देखिए मेरी रेसिपी। हाय गाइस, हाउ आर यू? सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब ठीक होंगे मेरे ख्याल से। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत इजी दावत ब्राउन राइस, टमाटो फ्लॉप, उसको बोलते हैं टमाटो भात। साउथ में ज़्यादा बनता है, बेंगलुरु साउथ, और बहुत इजी है, वेट लॉस के लिए भी है। तो मैंने ली चिली, अदरक लहसुन, इसमें प्याज वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ टमाटो रहेगा, इसलिए टमाटो राइस है। और कड़ी पत्ता रहेगा और मस्टर्ड रहेंगे, मस्टर्ड और जीरा। और मैंने ये आधा घंटा पहले चावल भिगो लिया है, तो अभी मैं इसको बनाऊंगी। मेरी रेसिपी देखिए। हाय गाइस, देखो मैं टमाटे ऐसे राउंड राउंड काट के ली हूँ, और जिंजर का पेस्ट है पीस के ली हूँ, और मिर्ची को काट के ली हूँ, लहसुन को बारीक काट के ली हूँ। अभी मेन मैं यहाँ पे रखी हूँ बर्तन, अभी मैं छोड़ दूंगी। मेरी एक कढ़ाई गर्म हो गई है, डालूंगी ऑयली ऑयल, वेट लॉस और हर चीज के लिए अच्छा होता है तेल। थोड़ा सा डालूंगी, देखो बस वेट लॉस है ये ब्राउन राइस विद टमाटो भात, टमाटो राइस भी बोल सकते हो आप, टमाटो भात साउथ में बोलते हैं। तो अब ये गर्म होने में मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें लहसुन, गार्लिक, कौन सा चमचा देके दे, वो वाला नहीं, वो स्ट्रेट वाला। अभी मैं डालूंगी सरसों, सरसों और कड़ी पत्ता मैं नहीं रही है इसमें। अभी मैं डालूंगी जीरा, कड़ी पत्ता, तेल बहुत थोड़ा लिया था, आप देख सकते हो। मेन इंग्रेडिएंट है सरसों और कड़ी पत्ता, साउथ डिश है ये। गार्लिक, चिली, बहुत इजी है। और चटपटा बन जाता है
साउथ में ज़्यादा ब्रेकफास्ट में खाते हैं लोग यहाँ पे, और चिली पाउडर, हल्दी, और मेन हमारा टमाटो भात है तो इसमें ज़्यादा टमाटर लगते हैं। में डालूंगी मेरा पिंक सॉल्ट, बहुत इजी है टमेटो राइस, टमेटो भात जो भी है, टमेटो भात बोलते हैं कोई, टमेटो राइस बोलते हैं कोई, बहुत नाम बोलते हैं, तो बहुत इजी है और छटपटा बन जाता है, टेस्टी भी बनता है। देखिए मैं तेल बहुत थोड़ा डाली थी क्योंकि हमारा ये ब्राउन राइस का टाइपिंग था। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा स्पाइसी। अभी मैं इसमें डालूंगी जो मैंने ब्राउन राइस लिए थे, अभी धो के भिगो के डालूंगी। इसके साथ तो आप कुछ भी खा सकते हो, लाइक नारियल की चटनी या तो अचार। ये देखिए अभी ये 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि ब्राउन राइस है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये दावत ब्राउन राइस है तो 15 मिनट में बन जाते हैं, बट उनको भिगोना पड़ता है आधा घंटे पहले। अगर मेरी रेसिपी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वो अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम चेक करेंगे टमेटो ब्राउन राइस, चेक करेंगे कैसा बना रहे। वाह बहुत अच्छा बना, देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। इसके साथ आप अचार ले सकते हो, नारियल की चटनी ले सकते हो। वेट लॉस है उसमें, कार्ब्स नहीं है, फाइबर है, अच्छा हेल्दी है और झटपट बन जाता है। जो भी डाइट में है आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो देखिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कितना अच्छा बन गया है मेरा टमेटो राइस। तो प्लीज़ आप मेरे सब फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, यहाँ पे मैं नहीं हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, एंजॉय योर डे।